भाई वो बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक से वो हमें ब्लॉक कर देता है किसी रीज़न से, या फिर ऐसे ही मान लो अगर उसने आपको ब्लॉक कर दिया है तो आप लोग उसको उससे किस तरह से चैट कर सकते हैं, यानी बिना अनब्लॉक हुए भी आप लोग उससे चैट कर सकते हो। बिल्कुल सही सुन रहे भाई, आप लोग को अनब्लॉक होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग ब्लॉक्ड हैं कोई बात नहीं, आप लोग चैट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वो आप कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है, इसलिए वीडियो कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही यार वीडियो को लाइक कर लेना, इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और अगर आपको वीडियो लास्ट में अच्छी लगे पूरी वीडियो कंप्लीट आपको वॉच करना, जब आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके बाद अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन आप लोग को अभी फिलहाल पे इस वीडियो पे बने रहना है, और क्या करना है कि अगर आपको किसी ने ब्लॉक कर दिया तो आप उससे किस तरह से चैट कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। तो चलो मैं आप लोग को बताता हूँ आखिर क्या क्या आपको करना है। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, किसी ऐप या किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको जो इंस्टा अकाउंट है यानी कि आपका जो इंस्टाग्राम का ऐप है, आप उसी से ही इस ट्रिक को अप्लाई करके आप लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी किसी ब्लॉक पर्सन से आप लोग चैट कर सकते हैं। ओके, तो करना क्या है, आपको सिंपली अपने चैट बॉक्स में जाना, ऊपर आपको एक प्लस का निशान दिख रहा होगा यानी प्लस आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसमें टैप कर देना है। अब जैसे आप लोग टैप करेंगे तो यहाँ पास टू लिखा है, देन आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन दिया, तो यहाँ आपको उस व्यक्ति का नाम सर्च करना है, यानी उस पर्सन का नाम सर्च करना है जिसने आपको ब्लॉक कर दिया। मान लीजिए मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए ये नाम सर्च कर लेता हूँ। ओके, इसे सर्च करता हूँ मैं, ताकि यहाँ पास एक तरह से आप लोग ये समझ लो कि ये इसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ओके, मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ, और अब आपको यहाँ पास सर्च करना है उस आईडी को जो आपके पास है, यानी कि आपकी एक फेक आईडी है या फिर एक ऐसी आईडी जिसको आप हमेशा यूज़ करते रहते हैं, ऐसी टाइम पास कब कभी यूज़ करते हैं। कुल मिला के मेरे कहने का मतलब है कि एक आपकी दूसरी आईडी, ठीक है, तो यहाँ पास आपको उसे ऐड कर लेना। जैसे मैं यहाँ पास एक आईडी ऐड कर लेता हूँ। ओके, और आप लोग चाहे तो अपने किसी दोस्त की आईडी भी यहाँ ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे ऐसा ये होगा कि आपकी चैटिंग जो है वो भी पढ़ सकता है, इसलिए आप अपने फेक अकाउंट का ही यूज़ करें। ओके, सिंपल सी यह हो गया, और आपको ऊपर चैट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसमें सिंपली आपको टैप कर देना। अब जैसे आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका एक ग्रुप क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पास कौन कौन ऐड हो चुका है, यहाँ तीन लोग ऐड हो चुके हैं, एक आप हो चुके हैं जिसने ग्रुप बनाया है, और एक आपका फेक अकाउंट ऐड हो चुका है, और तीसरा यहाँ पास ऐड हो चुका है जिसने आपको ब्लॉक किया है। अब सिंपली से आप लोग यहाँ मैसेज में क्लिक करके उससे आसानी से चैट कर सकते हैं। जब आप यहाँ पास से कुछ मैसेज भेजेंगे उसको, यानी कि उसको मेंशन करके भेजेंगे, यानी जैसे उसका कुछ भी नाम है तो आप उसको हाय बोलेंगे या और उसका नाम लिखेंगे, तो ये मैसेज उसके पास जाए क्योंकि वो भी इस ग्रुप में ऐड हो चुका है। तो ये एक आसान सा तरीका था जिससे आप लोग उन लोगों से भी बात कर सकते हैं जिन लोगों ने आपको ब्लॉक कर रखा है इंस्टाग्राम पे। तो ये कि आसान सी ट्रिक थी, आप लोग जो भी इसे बोलना चाहें, ओके, ये ट्रिक या टिप्स आप जो भी बोलना चाहें, बहुत ही आसान तरीका था ये जिससे आप लोग उस व्यक्ति से बात कर सकते जिसने आपको ब्लॉक कर दिया। आप ये लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो सकता है। तो आपको चाहिए आपका अकाउंट, आपका एक फेक अकाउंट और उस व्यक्ति का यूजर नेम जिसने आपको ब्लॉक किया, इन तीन चीज़ों को आपको चाहिए। देन उसके बाद आप लोग आसानी से यहाँ पास उन व्यक्तियों से भी बात कर सकते जिन्होंने आपको ब्लॉक किया है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। यार आप लोग कमेंट करते नहीं हो इसलिए कमेंट जरूर किया करो, साथ ही इस वीडियो को लाइक करना है, इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और अगर आप लोग अभी भी वीडियो पे बने हुए हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, आपको इससे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है।